रामनवमी को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड में है। रामनवमी को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और सभी तरह के सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई थानों की पुलिस ने महावीर मंदिर समेत कई इलाकों में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और उपद्रवियों पर नकेल कसने को लेकर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च निकाला गया है और ये मैसेज दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु हैं आवे, भक्तिभाव से पूजा पाठ करें और शांतिपूर्ण ढंग से, उनको कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही शरारती तत्वों के लिए चेतावनी है कि वे लोग, उन लोगों के लिए भी पूरी तैयारी हम लोग किए हुए हैं। हाँ, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, लोग लाइन कतारबद्ध होकर आएंगे पूजा करने, और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हर जगह की गई है। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार घूम घूम कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और इसमें सिविल और वर्दी दोनों में पुलिसकर्मी की तैनाती की जा रही है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के लिपिक की पिटाई के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाकर लिपिक के साथ मारपीट की गई घटना की हम घोर निंदा करते हैं। इस घटना से सभी कर्मचारी मर्माहत और भयभीत हैं। पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है। जो मुद्दा है, प्रमुख तीन मांगे हैं सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हम लोग का प्रथम जो मांग है हम लोग का, कि यहाँ एक पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जाए अविलंब। जिला पदाधिकारी को हमने पत्र भी दिया है, कल इसकी सूचना भी दी है कि 24 घंटे के अंदर इन तीनों मांगों को पूरा किया जाए। पहला जो हम लोग मांग है, पुलिस पिकेट की व्यवस्था कर दी जाए, और दूसरा हम लोग की मांग है कि CCTV फुटेज, उनके फुटेज में उनका फोटो भी है और सभी तरह का, अगर चाहिए तो हम लोग फुटेज भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा मांग है कि जब सुरक्षा व्यवस्था में लगे जो भी यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं उसको तत्काल बदला जाए।